उत्पन्ता एस एम मेहरा, अभिनेता थे विनोद खन्ना, रेखा विनोद मेहरा, मदनपुरी। इस मूवी ने अभिनय के संगीत दिया था जय किशन, हर्षतमु जय कुरिया, फारूक केसर, अंतिम वर्मा वाली। रिलीज की तारीख थी 1971, कार्यकारी समय था 144 मिनट। देश था भारत, भाषा थी हिंदी। नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन के साथ रहते हैं। वे स्वतंत्र फोटोग्राफर पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो समाचार पत्र के संपादक हैं। फिर श्री मेहता को काम पर रखते हैं। उसके सुदूर द्वीप पर जाकर वह कुछ अवैध गतिविधियों की जांच करने के लिए उनका पर्दाफाश करने का काम सौंपते हैं। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को दो अन्य लोगों के साथ कोठरी में बंद कर दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक को दूसरा राम सिंह, एक गुंडा नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसके परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिससे मुंह में डालने पर वह व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा, बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी में मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, दृश्य हो जाता है और भाग जाता है। भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड में हलचल मच जाती है और बॉस मिस्टर वर्मा नरेश को ढूंढते उसे मारने की अंगूठी अपने पास रखने के लिए एकजुट हो जाते हैं। इसके लिए राम सिंह लिली को बम्बई भेजा। नरेश मुंबई लौटा और पुलिस सुरक्षा के बीच इसी गुंडे मिस्टर मेहता को मार देते हैं। मारा ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और शामिल के नरेश सिमी के गिरोह को पकड़ने के लिए सीबीआई के लिए काम करना शुरू कर देता है। श्याम अखबार में क्लब विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी वर्मा सिंह रो के खिलाफ नरेश श्याम माला के संघर्ष पर केंद्रित है। विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूम में विनोद खन्ना काम कर रहे हैं। माला के रूम में रेखा काम कर रही है। श्याम के रूम में राजेंद्र नाथ काम कर रहे हैं। एम बी सेट्टी बॉस के रूम में है। श्री वर्मा के रूम में मदनपुरी काम कर रहे हैं। प्रोफेसर के रूम में जनकी दास काम कर रही हैं। लिली के रूम में हेलिना काम कर रहे हैं। तुरारी श्रीमती सक्सेना के रूम में काम कर रही हैं। श्री मेहता के रूम में भरद्वाज, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूम में बीरबल, पहलवान के रूम में हरक्यूलस, इफ्तिकार पुलिस प्रमुख के रूम में चाकी के रूम में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूम में जगदीश राज, संजना असीमा सक्सेना, वैम्प के रूम में सबीना खान मूवी में काम करती हुई आपको नजर आएंगे। जो इस मूवी में अपने रोल को निभा रही हैं, वे रोल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। उनकी रोल काफ़ी अच्छा है और वे उसकी तुलना में बहुत अच्छे योगदान दे रही हैं और उनके रोल को हम प्रशंसनीय तौर पर अच्छे से समझते हुए उन्हें वहाँ से ही रोल को अभिनय की अपनी एकजुटता को समझते हुए उन्हें प्रेम के रूप में उनका अभिनंदन करते हैं और पूछते हैं कि वे अपने रोल को सदा ऐसे ही निभाए, क्योंकि उनके रोल में काफ़ी वास्तविकता दिखती है जो उन्हें उसके लिए एक अच्छी खासा पर्याप्त समय भी देता है और उनसे बोलता है कि वे अपने समय के भीतर ही काम को अंजाम दें। एल आर ने एक क्षेत्र की बॉलीवुड साइंस फिक्शन थिएटर फिल्म है जिसका निर्देशन रामलाल ने किया था। फिल्म में विनोद खन्ना मेहरा, रेखा विनोद खन्ना, मदनपुरी ने इस फिल्म में अधिकांश शाहरुख खान की राज एंटरटेनमेंट के पास है। इसके निर्देशक थे रामलाल, उत्पादक एस एम मेहरा, अभिनेता थे विनोद खन्ना, रेखा विनोद मेहरा, मदनपुरी। इस मूवी ने अभिनय के संगीत दिया था जय किशन, हर्षतमु जय कुरिया, फारूक केसर, अंतिम